हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समा के चावल की खीर की रेसिपी। एक खीर आप व्रत में फलहार के रूप में भी खा सकते हैं या ऐसे भी बना के खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए बनाते हैं। खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम समा का चावल लिया है, जिसको मैंने धो लिया है। आधी कटोरी चीनी, थोड़ी सी काजू, थोड़ी सी किशमिश, 2 इलायची जिसको मैंने कूट कर लिया है और 1 लीटर दूध। चलिए मैं आपको समा का चावल भी दिखा देती हूँ। ये देखिए समा का चावल कितना छोटा छोटा होता है। सबसे पहले हम दूध को उबाल लेंगे। उबल चुका है तो अब हम इसमें समा का चावल डाल देंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके नहीं। देखिए खीर पक चुकी है, देखिए कितनी गाढ़ी लग रही है। अब हम इसमें डाल देंगे काजू, किशमिश, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डाल देंगे इलायची पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चीनी, चीनी आप अपने हिसाब से डालिएगा, कम या ज़्यादा। तो देखिए समा का स्वादिष्ट खीर बनकर तैयार है। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी।